कृषि पदाधिकारी जिला को जो है तो बहुत गड़बड़ है, ठीक है, वो गड़बड़ है, उसका जल्दी सुधरेगा उसके लिए आप लोग जो है ना आई एस डी ओ साहब जो काम किए हैं बहुत अच्छा काम किए हैं, जिला पदाधिकारी कृषि विभाग को मुर्दाबाद। किसानों ने जिला कृषि पदाधिकारी के विरुद्ध हो रहा मुखर, खेत से सड़क तक कृषि पदाधिकारी के विरुद्ध उठ रहा आवाज। किसानों के हित में नहीं, बिचौलिए के हित में कृषि पदाधिकारी कर रहे कार्य। किसानों को गेहूं बोने में खाद की संकट का करना पड़ रहा है सामना। मधुबनी जिले के किसान सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के द्वारा किए गए कार्यों में पक्ष में जहां गोल बंद होते दिखाई दे रहे हैं, खेत से लेकर सड़क तक कृषि पदाधिकारी के विरुद्ध उठाया जा रहा है आवाज। किसान सदर एसडीओ को किसान हित में बता रहे हैं और उनके पीछे खड़ा होता दिख रहा है। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार के क्रियाकलाप को लेकर सवाल खड़ा करता किसान काफी नाराज व आक्रोशित दिखाई दे रहा है। इन आक्रोशित किसानों की माने तो मधुबनी जिले में वास्तविक किसानों को जहां खाद की घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है, वहीं काफी दौड़ भाग और पहुंच का प्रयोग कर ब्लैक मार्केट से ऊंचे दर पर खाद एवं गेहूं बोने के लिए बीज खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं नाराज एवं आक्रोशित किसानों का कहना है कि जिला कृषि पदाधिकारी की देखरेख में जिला में खाद की ब्लैक मार्केटिंग करवाया जा रहा है। सुरेंद्र जी आप कुछ बता रहे थे, बताइए जी। बताते हैं यही एस डी ओ साहब से आग्रह करेंगे और निवेदन करेंगे जो किसान के लिए जितना काम किए हैं बहुत में बढ़िया काम किए हैं, और ये सुनेलका एजेंसी जो है बीज को लिए बीज वाले खाद बीज अच्छा। उसको हटा दें, बहुत घटिया सामान दे रहे हैं, पैसा तो निरोग वाला पैसा ले रहे हैं लेकिन हम लोग को बहुत घटिया समाज को दे रहे हैं, और घटी वो समाज टाइम पर बीज नहीं दे रहे हैं, समय से बीज नहीं मिल पा रहा है, और उसका क्वालिटी भी हम गए ब्लॉक पर तो एक ठो को देखे तो 80 रुपया में 20 किलो बैग दिया, तो उसको कहा तो जाइए खा लीजिएगा, बाग नहीं करना है,
अरे बाबू आप कहिए, हम कहे सरकारी दुकान डीलर का दुकान नहीं ना है। यानी कि कुल मिला के किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यही हम आग्रह करेंगे, एसडीओ साहब से निवेदन करेंगे, मैं सुरेंद्र यादव बोल रहा हूँ, जो इसको हटाने का कोशिश करें, इसको दूसर को डीलर दे दीजिए, लेकिन इसको नहीं देना है। सब बार हम लोग देख रहे हैं ऐसा ही लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप वो डीलर जो है, डीलर को एसडीओ साहब से आग्रह करेंगे जो डीलर को हटवा दे, वो डीलर गलत है, बहुत गलत। जो अभी बताइए जो बीज का कहता है, जो खाने खा लीजिएगा बीज नहीं बा करिएगा, क्यों उसमें कमी था, पैसा तो लिया है बीज को लिए आ दिया है किसान को खाने के लिए, वो राशन दुकान नहीं है जो हम डीलर को साथ में जाएंगे तो। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र यादव, वार्ड नंबर 2 रेखा पंचायत, वार्ड नंबर 2 में मेरा नाम सुरेंद्र यादव है, हम लोग किसान वर्ग का लोग हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे सो कहिए। आप ड्राइवर हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, किसानों के खेत में जा करके जुताई करते हैं, डीजल का मूल्य बढ़ने के बाद क्या किसानों के ऊपर कमर तोड़ महंगाई कृषि काम में बढ़ गया है, किसान परेशान हो रहे हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है क्या? नहीं मिलता है। नहीं मिल रहा। अपना नाम बताइए। विकास कुमार यादव। बाबा अभी जो बता रहे थे सुरेंद्र जी, आप भी किसान हैं? हाँ बाजू ना। तो आप लोगों को खाद बीज मिल पा रहा है? नहीं नहीं मिले है यो। नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, बोलता है ये भी नहीं करता है, यह होता है वो होता है, लोग भी लेके कर देते हैं इधर से उधर, ब्लैक हो रहा है। ब्लैक हो रहा है। आप लोगों के खेत का धान सरकारी दर पे बिक रहा है? नहीं बिकता है। अच्छा बाबा अपना नाम बताइए। लोचन यादव। लोचन जी, बाबा अभी कुछ कहना चाहेंगे बताइए। हाँ, बोलिए। तो कटा लिया। बताइए बताइए। आप लोग चुप रहिए, आप लोग चुप रहिए। आपको सरकारी लाभ मिल रहा है? नहीं किछो नहीं। खेती के लिए किछो नहीं। खाद बीज किछ नहीं। सटा हम धान का उचित मूल्य मिल रहा है? नहीं उसका नहीं मिला है। पटवन के लिए अनुदान मिला है? किछ नहीं। नहीं मिला? कुछ नहीं। आपका परिचय क्या हुआ, नाम क्या हुआ बाबा? दुखन जादा। नौजवान है? यस। किसान के घर में पैदा लिए हैं? हाँ। पिताजी खेती करते होंगे? हाँ। फसल बेचते होंगे? हाँ, तो आपकी पढ़ाई का खर्चा निकलता होगा? हाँ। क्या प्रॉब्लम अभी आ रहा है, क्या समस्या है खेती करने में, किसानों को क्या समस्या का सामना करना पड़ता है, उस पर बताइए। समस्या का सामना यही करना पड़ता है, जो हम लोग के ब्लॉक में बोलते हैं जाने बीज लेने के लिए जाते हैं तो बोलता है ये नहीं है, फिर बोल आता है तो अब आज आया कल ख़त्म हो गया, बोलता ख़त्म हो गया, जाते हैं खाद नहीं बीज मिलता है, नहीं खाद मिलता है, नहीं डीजल का आंदोलन का पैसा मिलता है, कुछ नहीं मिलता हम लोग को। धान का उचित मूल्य मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो आपका पढ़ाई कैसे चलता है? पढ़ाई चलता इधर उधर से काम थोड़ा मोड़ा करते हैं वो। अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार यादव।